हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई काफ़ी रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट का रिव्यू इस प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट मुझे बहुत आई थी एंड गाइस ये है कोजी केयर का स्किन लाइटनिंग सीरम इम्प्रूव कॉम्प्लेक्शन इवन आउट स्किन टोन इनरिच विथ कोजिक एसिड एंड एंटोथियोन सो गाइज ये एक स्किन वाइटनिंग सीरम है जो कि कोजी केयर की स्किन वाइटनिंग क्रीम एंड सोप अवलेबल है इवन अब इनकी बहुत बड़ी रेंज अवेलेबल है मार्केट में सो so एक स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट है और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं इसको यूज़ करके बताऊँ कि ये वर्किंग है कि नहीं तो गाइज़ आज हम बात करेंगे डिटेल में स्टूडेंट के बारे उसको यूज़ करके मैं अपने फेस पर दिखाऊँगी सो so वीडियो के एंड तक बने रहें और इफ एन यू टू तो माई चैनल चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा सो so गाइज यदि स्टार्ट करते हैं वीडियो बात करूँ पैकेजिंग के बारे में तो ये आता है इस तरीके के वाइट कलर के कार्डबोर्ड बॉक्स में बॉक्स की ओपनिंग काफ़ी अच्छी है अंदर आपको मिलता है ग्लास जार एंड जो जार है वो नॉर्मल जैसे सिरम आते हैं एज इट इज उसी तरीके की बॉटल है और जो कंसिस्टेंसी है गाइस ये एक बहुत लाइट वाटर सिरम है जो है गाइस वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टाइप की है एक केमिकल बेस्ड फ्रेगनेंस है और मतलब फ्रेगनेंस थोड़ी सी हार्श है सो so गाइज़ अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस के बारे में ये 30 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ आता है इसका प्राइस सिक्स फिफ्टी है और शेल्फ लाइफ इस ट्वेंटी फोर मंथ्स की है सो so गाइज़ अब मैं आती हूँ इसके इंग्रेडिएंट पे और इंग्रेडिएंट का स्नैप आपको स्क्रीन में मिल जाएगा क्योंकि गाइज़ जब इन्ग्रीडियंट लिस्ट आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो तभी कोई प्रोडक्ट यूज़ करें इन्ग्रीडियंट लिस्ट में आपको पता चलता है कि कौन सा इंग्रीडियंट इसमें मिक्स है आपकी स्किन उससे एलर्जिक तो नहीं है इस वजह से मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट हमेशा मेंशन करती हूँ जैसे कि गाइस इसमें मिक्स किया गया है कोजिक ऐसे प्रोपलिन ग्लाइकोल है ग्लिसरीन है ग्लूटोथियोन है आर्बिटिन है परफ्यूम है जैंथम गम है डायमिनरल वाटर इसमें डाला गया है क्लेम की बात करें तो गाइज ये कहता है कि ये स्किन को लाइट करने में मदद करता है स्किन के डार्क स्पॉट्स को वैनिश करने में मदद करता है स्किन के जो सन डैमेज से स्किन डल हो गई डार्क हो गई इसको रिमूव करने में मदद करता है एज एंटी टैन वर्कर स्कार्स के डिसकलरेशन में मदद करता है रेडियंट ग्लो देने में मदद करता है स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करता है स्किन को स्मूथ बनाने में मदद करता है सो so गाइज ये क्लेम करता है कि ये स्किन के डार्क स्पॉट्स पे वर्क करेगा स्किन को लाइटन करेगा स्किन को क्लियर बनाएगा पोर्स को मिनिमाइज करने में मदद करेगा स्मूथ बनाने में मदद करेगा और गाइज एक चीज इसमें जो मेंशन की गई है कि ये रिकमेंडेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब कि ये डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा रिकमेंड किया जाता है यूज़ करने के तरीके पे मैं आती हूँ लेकिन गाइज़ मैं फर्स्ट ऑफ़ ऑल बताना चाहूँगी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पैच टेस्ट ज़रूरी होते हैं जब भी आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो उसको पाँच से छः दिन आप पैच टेस्ट करके देखो क्योंकि अपने घर में ही देखा है कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो किसी पे वर्क कर रहे हैं कुछ कि स्किन पे वो इरिटेट होने लगते हैं स्किन डार्क होने लगती है तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग पैच टेस्ट कर लो फिर कोई प्रोडक्ट को यूज़ करो पैच टेस्ट भी पाँच से छः दिन करो जब आपको लग रहा है कि आपकी स्किन पे कोई हार्श इफ़ेक्ट नहीं हो रहा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा तभी फ़ेस पे यूज़ करो क्योंकि फेस बहुत कीमती होता है और कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही डायरेक्ट फ़ेस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए हर स्किन अलग होती है हर सेल अलग होते हैं और हर प्रोडक्ट अलग अलग स्किन पे अलग तरीके से वर्क करते हैं तो पैच टेस्ट ज़रूर करें अब आती हूँ यूज़ करने का तरीका फेस को वॉश करने के बाद मैं इसके दो से तीन ड्रॉप लेती हूँ और अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद मैं कोई भी चीज़ें नहीं अप्लाई करती हूँ क्योंकि इस ये एक्टिव्स के साथ आता है और कोई भी प्रोडक्ट के एक्टिव्स के साथ ही एड कर सकता है इस वजह से मैं कोई और प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ कंपनी कहती है कि आप इसके मॉइस्चराइजर सोप और क्रीम यूज़ कर सकते हैं साथ में मैं नहीं यूज़ करती और मुझे कोई आइडिया भी नहीं है अब आती हूँ उसके रिज़ल्ट के बारे में गाइज़ ये सीरम जब मैंने यूज़ किया ये दाग दबों को कम करता नज़र आया बाकी मैं जैसे फेस पे टैनिंग हो जाती है वो भी मुझे 10 से 15 दिन बाद थोड़ी सी लाइट होती नज़र आई लेकिन अगर मैं फेयरनेस की बात करूँ गाइज़ तो कोई भी जो प्रोडक्ट है एकदम फेयर नहीं करता वो एक से दो टोन स्किन लाइट होती है उसी को हम फेयरनेस कह सकते हैं वरना कोई भी चीज़ आपको तो काले से गोरा नहीं कर देता एकदम मिल्की वाइट नहीं कर देता बस एक से दो टोन ब्राइटन होती है मुझे ये प्रोडक्ट स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देता हुआ नजर आया बाकी मैं फेयरनेस पे मुझे इतना वर्किंग नहीं लगा ये थोड़ा सा वर्किंग नजर आया और मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं है मतलब कि मेरी स्किन में इतनी जल्दी कोई प्रोडक्ट रिएक्ट नहीं करता इसलिए मुझे जब पैच टेस्ट पे आपको ये लगे कि आप पे वर्क कर रहा है देन आप इसको फेस पे यूज़ कर सकते हैं सो गाइज़ ये थी कुछ जानकारी कोजी के स्किन लाइटिंग सीरम के बारे में सो so गाइज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा कोई क्वेश्चन कोई करी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं सो गए चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ तब तक रखिए आप अपना अपने परिवार का ख्याल टेक केयर